या हाइट्स मीन अमीश तनेजा, मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते नमीश तनेजा, जो बहुत जल्द ही अपने नए अवतार में नजर आएंगे, एक आर्मी ऑफिसर के अवतार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी। नया अवतार, चूंकि यू नो माहौल ही है गणतंत्र दिवस का, क्या कहना चाहेंगे? सी बेसिकली बचपन से कभी कुछ ऐसा कर नहीं पाए इंडिया के लिए या आर्मी के लिए, कभी कुछ कर ही नहीं पाए। बस रिपब्लिक डे पे जय हिंद करते हैं या फिर मूवी देखने जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही ये गाना आया तो मुझे लगा कि नहीं, इंडियन आर्मी के लिए कुछ तो करना चाहिए अपनी तरफ से। तो जैसे ही गाना सुना, उनसे जो भी बजट था कुछ बात नहीं की, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, नई प्रोडक्शन है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं मेरे, नॉर्मली बहुत सारे होते हैं। तो बस ये मेरी तरफ से एक जेस्टर है जो मैं देना चाहता था इंडियन आर्मी को। चलिए, अगर बात करें इस एल्बम की, क्या है, कहाँ शूट हुआ, कौन है साथ में आपके को-स्टार्स, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये गाना हमने वडोदरा में किया। वॉर सीक्वेंस है कि कैसे एक वॉर के अंदर एक जवान अपने अपने बच्चे को और फैमिली को छोड़ के जाता है। और कुछ जैसे कश्मीर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक कश्मीर में मुझे कहीं पर जाना था, ज़ीरो पॉइंट था वहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया, याद से बीजेपी से पहले की बात, मतलब बीजेपी तब स्टार्ट ही हुआ था, तब की बात है, आई थिंक 5-6-7 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे मैं गया था तो मुझे ज़ीरो पॉइंट पे जाना था। तो वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी में जाओगे, तो मैंने बोला मेरे पास जब मेरी गाड़ी है तो मैं इसमें क्यों नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर यही रूल है, आपको इसी गाड़ी से जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे ड्राइवर ने बोला कि चलो ठीक है इनकी गाड़ी से जाते हैं। तो मैंने बोला आप कितना चार्ज करते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, मतलब सिर्फ 50 किलोमीटर्स का दे साइड 8,000। तो मेरा पॉइंट था कि यार आप 3-4 हज़ार रुपये ले लो, समझ में आता है, आप भी कमाओ, 8,000 का क्या हिसाब है, मुझे समझ नहीं आया ना, थोड़ा वर्थ लो, मतलब उतना कमाओ ये एक्स्ट्रा क्यों, और यही तो जाना, थोड़ा सा आगे जाके बर्फ ही तो देखनी है, वो तो मनाली में भी देखते हैं। तो उन्होंने बोला इतना ही है। तो मैं कहा नहीं नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको। तो बोलते पैसे नहीं है तो फिर यहाँ आते क्यों। तो ये था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मुझे एक आर्मी ऑफिसर मिला। तो वहाँ पे फिर मैं खा रहा था समोसा, तो एक आर्मी ऑफिसर दिखे, वो यंग से बिल्कुल है ना, और 26 से 27 साल का लड़का था वो। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसा मेरे को लोकल्स ने बोला है कि आप ऐसे जाओगे अपनी गाड़ी मत लेके जाना, और अगर अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो पत्थरबाजी होगी, तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि तू जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, डरने की जरूरत नहीं लोगों से, जाओ उधर। मैंने कहा यार 26 साल का लड़का यार डरता नहीं किसी से भी, कह रहा जय माता दी जाओ ऊपर। तो वो ना मेरे दिल में ना कहीं बैठ गया था कि यार कितना करते हैं हमारे देश के लिए, डरते नहीं हैं, और अगर उस साइड जाते हैं, मतलब कश्मीर साइड जाते हैं, तो पता है कि कुछ ना कुछ होगा ही, है ना, डर भी रहता है कहीं ना कहीं। हम लोग जब जा रहे थे तो हमें भी बोल रहे थे, एज अ टूरिस्ट भी बोल रहे थे कि यार ध्यान रखना, ज़्यादा मत निकलना, लोकल में ऐसे मत निकलना, इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ, अच्छे होटल्स में रुकना, 5 स्टार्स में रुको, ऐसा करो। तो मेरा पॉइंट था कि यार मैं कुछ तो करूँ इनके लिए। तो फिर जैसे ही ये गाना सुना, फिर अच्छा लगा कि यार चलो एक जेस्चर होना चाहिए मेरी तरफ से कि यार मैं इंडियन हूँ और इंडियन आर्मी के लिए मेरा क्या प्यार है, मेरा क्या योगदान है, और मैं एक्टर हूँ तो मैं इसी तरीके से लोगों को, अपने जो भी यूथ हैं उनको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि हम हमारे दिल में हो आप जी। तो फिर इसमें आया कि वडोदरा में हम कर रहे हैं वॉर सिक्वेंस हैं, तो वहाँ पर गाना किया। मेरी जो हीरोइन है वो भूमिका गुरंग है, वो उनके साथ में गाना किया, और डायरेक्टर अच्छे, राइटर अच्छे, और गाना बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग किया। चलिए, अगर बात करें आर्मी ऑफिसर की, पहली बार आपने ऐसी वर्दी पहनी, और जो वो वर्दी पहनने के बाद जो एक अंदर से जज्बा आता है वो वो था, वो था, वो था। जब जैसी आर्मी के कपड़े आए, तो जब वो वर्दी आई, तो वो जो शूज़ थे, वो जो पैंट थी, और वो जो ऊपर का वो फुल स्लीव्स का वो शर्ट था, जब वो मैंने पहना ना, तो वो मेरे को मेरी स्टाइलिश देखने आई। ऐसा मैंने कहा मैं अपनी लाइफ का बेस्ट लग रहा हूँ, मुझे किसी का कोई रिव्यू नहीं चाहिए। तो वो थोड़े से ना कपड़े लूज थे, मैंने कहा कुछ लूज नहीं है, यही है मेरी जो फीलिंग है ना, क्योंकि मैंने ये गाना सिर्फ इसलिए गया, ये वर्दी पहनने के लिए, इस लुक के लिए मैंने एक वहाँ पे लुक भी रखी है, मुझे मैंने कभी नहीं रखी लाइफ में, मैंने एक रखी कि हाँ एक होता ना वो दमदार आदमी, वैसी वाली मूछ रखी कि मैन होते हैं, तो वो रखा, और वो एक फीलिंग थी जो जो सिर्फ जो पहनेगा ना उसी को वो फीलिंग आती है। मतलब हम एक्टर हैं तो हमें बिना कुछ किए इतने सारे मौके मिलते हैं ये सब
करने के, बट ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था जब वो मैंने वर्दी पहनी है। मतलब मुझे गूज बम्स आए, आई फेल्ट इमोशनल, और मुझे पहली बार खुद को देख के लगा हाँ यार ये इसमें पर्सनैलिटी है, ही इज़ अ हैंडसम गाय, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये वर्दी के अंदर। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अगर हमने हम अगर इस फील्ड में नहीं होते तो हम वहाँ पे भी होते तो होते इस फील्ड में, हमारे है दिल में आर्मी। अगर बात करें देशभक्ति की, नमिश, ये एक ऐसा दिन होता है जहाँ हर कोई देशभक्ति के प्रति अपनी अपनी बातें करता है, सब कुछ करता है। आप इस दिन को कैसे देखते हैं, 26 जनवरी? यार मैं बचपन से ना मैं मेरे डैड हम लोग सब घर पे बैठ जाते थे, टीवी पे देखते थे, मेरे डैड, माय डैड इज़ अ टीचर, तो टीवी पे देखते थे। और स्कूल में हम 25th को कोई ना कोई फंक्शन होता था तो वहाँ पे हम परेड में होते थे, कभी कोई चाचा नेहरू बन रहा है, कभी कुछ। तो मैं मेरे लिए एक 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 जैसे होता ना एक फेस्टिवल टाइप होता है, एक एक हैप्पीनेस होती है अंदर से कि यार 26 जनवरी, यार 26 जनवरी लोगों के लिए इट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन, मैंने तो ऐसा फील किया है कभी कभी, बट मेरे लिए यार 26 जनवरी, यार 26 जनवरी, 15 अगस्त है ना, हम लोगों ने फेस्टिवल की तरह इसको लिया है कि हमारे घर में मिठाई बन रही है, सुबह सुबह अच्छा खाना बन रहा है, हम लोग बैठे हैं टीवी पे देख रहे हैं, हमारे जो पीएम है उनको देख रहे हैं, जो परेड्स हो रही है वो सब देख रहे हैं। तो इस नज़र से हम देखते हैं, हमारे लिए ये है कि इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस। आपसे अगर जानना चाहें, जब भी आप ऐसे आर्मी ऑफिसर को, पहले आपने चूंकि आपने अपना अवतार लिया वो अलग भी नहीं आई, बट आप जब देखते थे इस तरह से ऑफिसर्स को या फिर जब देखते थे तब दिल में जज्बा कैसा होता था? बहुत सारे लोग खड़े होकर सलूट भी करते हैं, जब भी कोई, हम वही हैं, मैं उसी लीग का ही हूँ। जब मेरे सामने कोई भी ऐसे आर्मी ऑफिसर जाते थे या ऐसे वो ट्रक्स जा रहे होते थे कश्मीर में भी, तो मैं दूर से ऐसे सलूट करता था, सलूट सर। अभी भी कोई भी दिखता है जैसे आर्मी की ड्रेस में, कभी कभार तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था कि इसको सलूट करता। आजकल तो नॉर्मल कपड़े भी आ जाते हैं, नॉर्मल जैकेट्स पहनते हैं लोग, तो मैं जब भी मुझे कोई ऐसे दिखता है तो मैं हेलो सर एक ऐसी स्माइल देता ना कि लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर अस, एक उनको एक स्माइल से जेस्टर से पता चल जाता कि यार हमें पता है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो मैं उनमें से ही हूँ। आपके इस वीडियो में जैसा आपने कहा कि एक आर्मी ऑफिसर कितना सेक्रीफाई करता है अपने फैमिली के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, तो अब समझ में आया कि कितना कितना जज्बा होता है एक ऑफिसर के अंदर अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति। हाँ मुझे ये फीलिंग हमेशा से है, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जिनके जैसे डैड है BSF में है, आर्मी में है, मेरे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं और महीनों महीनों वो घर पे नहीं आते हैं, उनकी वाइफ घर पे अकेली होती हैं, बच्चे घर पे अकेले होते हैं, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, इट्स नॉट अ ईजी टास्क है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप देश के लिए जा रहे हो। अगर वो भी सोचे तो वो भी तो ऐसे राशन की दुकान खोल के बैठ सकते हैं, बट नहीं, देश के लिए कुछ करना है। और तो अब है बहुत बहुत डिफ़िकल्ट फीलिंग है। इस गाने के अंदर भी ये था कि एक बच्चे का सीक्वेंस था, तो मेरा पॉइंट था कि मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि नमीश यू डोंट हैव टू डू दिस बच्चे वाला सीक्वेंस, अभी यू आर यंग, यू डोंट नीड टू डू दिस है ना। तो मेरी जो टीम है उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बच्चे वाला सीक्वेंस लगा दे, मैं कहा नहीं यार, जो जनरली अपने ऐसे बच्चों को छोड़ के जाते हैं वो पता चलना चाहिए लोगों को, वो फीलिंग कैसे पता चलेगी। तो वो फीलिंग के लिए मैंने बोला नहीं 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 ये बच्चा इसमें मुझे चाहिए, इनको कह रहे कुछ और कर लेंगे, एक सेकंड में चेंज हो जाता है सीन में, कहा नहीं 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 मुझे ये बच्चा इसमें चाहिए, एनी हाउ मैं हम करेंगे बच्चे वाला। और अगर आप गाना देखोगे तो मैं कल था एडिट पे जस्ट टू सी, क्योंकि मेरे पास जो आया था वो मुझे वैसा नहीं लगा कि हम उसमें दे पा रहे, तो मैं गया वहाँ पे उस गाने को इस तरीके से लाना ताकि लोगों को पता चले कि एक आर्मी वाला, एक आर्मी वाले जो लोग होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो देश के लिए कितना कुछ करते हैं, कितने कुछ इमोशन छोड़ते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते उस तरीके से, बस दे जस्ट प्रिटेंड हाँ रिस्पेक्ट है, बट डू समथिंग फॉर देम है ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे उनके लिए, एटलीस्ट मुझे लगता है कोई एक दिन होना चाहिए कि उनके लिए कुछ होना चाहिए हमारी तरफ से। जैसा आपने कहा कि हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना सब कुछ खो करके, और हम लोग उसको इस तरह से लेते हैं जैसे छुट्टी का दिन है, बस छुट्टी का दिन देखते हैं। हाँ, तो अगर आपसे जानना चाहें सही मायने में 15 अगस्त 26 जनवरी को कैसे आप देखते हैं, मतलब एक यंग एक नौजवान के लिए? मुझे तो लगता है कि चाहे मतलब वो अपने घर से ही शुरुआत करें, हर अच्छी चीज, चाहे वो कोई भी मुहिम, मुझे लगता है कि इस ऐसे फंक्शंस पे हमारे जितने भी
जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जो जो चीज़ें की हैं हमारे लिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, उस बारे में उस दिन चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए, है ना। और फैमिलीज़ में होना चाहिए कि जो बड़े हैं वो बताएं कि इन ऑफिसर का नाम ये है, इन्होंने हमारे लिए ये किया था। तो जितने भी हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए शहीद बहुत ही हुए जो शहीद हुए हैं, वो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, उनके नाम बताएं हमें, है ना। और नॉलेज दी बच्चों को ताकि उन्हें पता चले कि देश के लिए देश के हमारे। लिए शहीदों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। जी तो वो मुझे लगता है कि दिस इज़ मिसिंग जो होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको बच्चे हैं, एक फन जोन में भी करो, एक्टिविटीज़ करो, हेल्दी रहने की एक्टिविटीज़ करो, ये सब होनी चाहिए। तो ये मुझे मिसिंग लगता है।